हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। थॉमस, तुम्हारी बोतल तो बहुत अनोखी आकार की है, इसमें कितना पानी भर सकते हैं? दरअसल मानस, मैं भी यही ज्ञात करने की कोशिश में जुटा हूँ। लेकिन तुम इसका पता कैसे लगा रहे हो? गणित के द्वारा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये गणित का समय है। देखो मानस, मेरी बोतल बेलनाकार है और इसमें जितना पानी हम भर सकते हैं वो इसकी क्षमता कैपेसिटी के बराबर है। लेकिन क्योंकि बोतल की मोटाई न के बराबर है, हम ये कह सकते हैं कि बोतल में पानी द्वारा घिरी गई जगह या बोतल की क्षमता बोतल द्वारा घिरी गई जगह या बोतल के आयतन वॉल्यूम के बराबर है। दूसरे शब्दों में बोतल की क्षमता कैपेसिटी बोतल के आयतन वॉल्यूम के बराबर है। अब जल्दी से मुझे हमने सीखे बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का सूत्र बताओ। किसी भी बेलन सिलेंडर का आयतन वॉल्यूम उसके आधार के क्षेत्रफल और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर है। और यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आर और बेलन की ऊंचाई एच है, तो हम बेलन के आयतन के सूत्र को इस तरह पाई आर वर्ग एच के रूप में भी लिख सकते हैं। मेरी बोतल के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। चलो मैं इन्हें इस सूत्र में R और H की जगहों पर लिखकर इस समीकरण को हल कर लूं। इस तरह से हल करने पर हम देख सकते हैं कि बेलनाकार बोतल का आयतन 594 घन सेंटीमीटर है। और थॉमस, हमें ये ज्ञात है कि 1 घन सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर के बराबर है, अर्थात 594 घन सेंटीमीटर 594 मिलीलीटर के बराबर होगा। अरे वाह, तुम्हारी बोतल में हम 594 मिलीलीटर या 0.594 लीटर पानी भर सकते हैं, जो आधे लीटर से थोड़ा ज्यादा है। आखिर हमें बोतल का आयतन ज्ञात हो गया। चलो चलो, हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चलें। हम तुम्हारे लिए भी ठीक ऐसी ही बोतल खरीद लेंगे। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं का हल किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ मिथ्या धारणाओं को देखेंगे।